हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की टाइम है और मैं ना यहाँ पे अपना किचन को सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अच्छे से किचन को मुझे धुलना है और आज है मंगलवार, आज मेरा व्रत है। तो किचन के सबसे पहले मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, और जो बर्तन है रात में मैंने धुल लिया था, थोड़ा सा होगा तो एक दो होगा तो धुल लूँगी। और पहले तो सबसे पहले साबुन से पूरा अच्छे से गैस और किचन टॉप को साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन में व्रत हूँ तो चाय भी पीना होता है या कुछ भी बना के खाना होता है मुझे। तो पहले किचन को सब अच्छे से सफाई करना होता है, तो कर लिए हैं। उसके बाद से तो घर में पूरे घर झाड़ू वाड़ू कर ली हूँ मैंने, उसके बाद से ही मैंने वीडियो अपना शूट करना के स्टार्ट किया। सुबह में मैं उठ गई थी 5 बजे, 5 या 6 बजे, 5:30 बजे उठी होंगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है अभी, तो इस वजह से, तो तबीयत ख़राब की वजह से ना थोड़ा सा वीडियो भी शूट करने का मन नहीं हो रहा है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर भी मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन ये मेरा काम है तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे किचन को साफ सफाई करके यहाँ पे बेसिन को मैं अच्छे से धुल लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैं पूजा के बर्तन धुलती हूँ, तो ये मेरा डेली धुलना ही होता है, लेकिन आज अच्छे से धुल के इसमें और पूजा वाला जो बर्तन है उससे मैं साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे पूजा वाला बर्तन मैं पीतांबरी से साफ़ कर लेती हूँ, इससे बहुत अच्छे से आसानी से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने ना यहाँ पे पीतांबरी से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो अब तो स्कूल हो गया है बंद, बच्चे सबका, सब कोई घर पे ही रह रहा है, और हम लोग का काम बढ़ गया है, बच्चे सब का काम, और बच्चे सब बढ़ा दिए हम लोग का काम, क्योंकि छुट्टी है ना तो पूरे दिन घर पे बदमाशी करते हैं लोग। उसके बाद से अच्छे से पूजा वाला बर्तन मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, और उसके बाद से आ गई इस वाले रूम में और इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, क्योंकि सुबह में क्या होता है ना, अभी सब कुछ सोया रहता है, तो इस वजह से ये वाला रूम ऐसे ही था। तो इसको भी मैं थोड़ा सा सही कर लूँगी और चादर को झाड़ दूँगी, क्योंकि चादर कल ही मैंने डाला था, तो इस वजह से इस चादर को चेंज नहीं करेंगे, इसी को बस साफ़ मतलब झाड़ के इसको और इसी को सही कर देंगे। तो यहाँ पर ये काम हो रहा है। उसके बाद से नहा ली हूँ, नहाने के बाद से मैंने पहना है रेड साड़ी, क्योंकि मंगलवार को ना रेड कपड़ा पहना जाता है, रेड ही साड़ी पहना जाता है। ये मेहरून कलर है तो ये भी चल जाता है, ये मैंने मंगाया है मीशो से, तो इसीलिए मंगाया था मंगलवार को पहनने के लिए, क्योंकि व्रत में अच्छा रहता है रेड कपड़ा पहनना, इस वजह से मैंने मंगा लिया था। बहुत हल्का भी है, थोड़ा सा गर्मी में चल जाता है। उसके बाद से यहाँ के इतना मतलब भयंकर वाला गर्मी है ना कि बाल को खुला छोड़ ही नहीं सकते, तो जूड़ा बना लिया, और उसके बाद से थोड़ा सा लगाएंगे यहाँ पे लिपस्टिक, क्योंकि बिगर लिपस्टिक के तो अच्छा नहीं लगता है फिर, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया। उसके बाद से आज ना मुझे मन किया कि मैं बड़ा वाला बिंदी लगाऊं, तो बड़ा वाला बिंदी वाला डब्बा मैंने उठाया, इसमें खोज रही थी मेरून कलर तो मिल गया, लेकिन बड़ा वाला बिंदी मैं डेली नहीं लगाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं कभी कभार ही लगा लेती हूँ तो लगा लेती हूँ, लेकिन आज मुझे मन किया कि मैं बड़ा सा बिंदी लगाऊँ, तो वही मैं बड़ा वाला बिंदी यहाँ पे निकाल के लगाई हूँ, और देखते हूँ कैसा लग रहा है, ठीक ही है, तो मैंने लगा लिया। उसके बाद से ना अब मेरा जो नहाना मतलब अच्छे से बाल उल साफ़ करके ही मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है आज के दिन पूजा करने में, व्रत रहने के बाद से ना थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है पूजा करने में। तो अभी ना यहाँ पे अच्छे से मतलब पूजा की भी तैयारी कर लिया है, मंदिर उंदिर साफ़ कर लिया है, बस अब पूजा करना है मुझे। नीचे आई हूँ जल लेने, क्योंकि नल से मैं जल लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना पूजा वूजा कर लिया है अच्छे से, और आरती की मतलब बारी आ गई है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे बस सिर्फ आरती करूँगी, और पूजा पाठ तो मैंने कर लिया है, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मतलब सारे भगवान जी को मैंने फ़ोटो लगाया है, सबके मैं पूजा कर लेती हूँ, और व्रत तो मैं हनुमान जी के रहती हूँ मंगलवार के, तो लेकिन सबके मैं पूजा पाठ कर ली हूँ। उसके बाद से मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में आते मैंने चढ़ाया है चाय, क्योंकि अभी तक मैंने चाय नहीं पिया, सुबह में भी आज नहीं चाय पिया, क्योंकि काम में ही लग गई थी उठ के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चढ़ा दूँगी चाय, और पानी भी आज नहीं पिया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है ना व्रत में कुछ भी डालने के मन नहीं करता है, तो मैंने सोचा कि चलो पूजा पाठ करने के बाद से ही करेंगे चाय पानी। उसके बाद से यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो दूध मैंने एक साइड चढ़ा दिया, और ये रात का दूध है तो इसको मैं चाय बनाऊँगी। चाय अभी पीने वाले बस 3 जाने हैं, हम और हिमांशु आकृति, तो बस 3 जाने के लिए मैंने चाय चढ़ा दिया है। उसके बाद और अभी दिन इतना बड़ा हो रहा है और गर्मी इतना काफ़ी पड़ रहा है ना कि सुबह में ही मतलब व्रत रहने में सुबह में भी प्यास लग जा रहा है, तो आज मैंने ना यहाँ पे चाय चढ़ाया है, चाय के साथ फ्रूट व्रूट भी काटूँगी, क्योंकि आज बहुत काफ़ी गर्मी था और
मतलब बहुत बड़ा भी दिन हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा एक दो बार मुझे पानी होनी चाय तो नहीं लेती हूँ, क्योंकि चाय एक ही बार पीती हूँ सुबह में ही। इतना काफ़ी गर्मी है कि दोबारा चाय पीने के मन भी नहीं होता है। एवरीवन, तो ये देखिए आप लोग के कैसा लग रहा है। मैंने मीशो से भी मंगाया है इसे, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ना अभी रील्स बनाया है इंस्टाग्राम के लिए, तो इसलिए इस एयरिंग को पहना था। अगर आप लोग फॉलो नहीं किया है ना इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर दीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छा लग रहा है ना, आप लोग बताना ये एयरिंग कैसा है। बहुत ट्रेंडिंग है मीशो पे, तो इसलिए मैंने भी मंगाया। तो ये सारे काम करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, और मैंने वीडियो शूट उट कर लिया अपना। सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे मैं बनाऊंगी बनाना शेक, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम भी हो चुका है, 10 बज रहा होगा, तो थोड़ा सा ये बना करके पी लेंगे हम तीनों जाने, क्योंकि फिलहाल अभी कोई है नहीं घर पे, हम ही तीनों जाना है। सुबह में नाश्ता भी नहीं बनाई थी मैं, क्योंकि दोनों जाने के कोचिंग था सुबह में ही, तो ये दोनों 7 बजे ही निकल गए थे कोचिंग, तो इसलिए नाश्ता मैंने नहीं बनाया और काम में मैं अपना लग गई। तो उसके बाद से तीनों जाने के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे बनाना शेक, कि तीनों जाने हम लोग पी लेंगे तो अच्छा भी रहेगा। गर्मी के मौसम में दूध पीने से अच्छा है कि ये सब बना के पी लो, दही जमा लो, उसको लस्सी बना के पी लो, या मैंगो शेक पी लो, बनाना शेक पी लो, तो ये सब सही रह रहा है। तो यही सब हम लोग पीते हैं अब डेली के, मतलब ये सब पी लेते हैं। तो ये भी तीनों जाने हम लोग पी लेंगे, उसके बाद से थोड़ी देर मतलब एक घंटा के बाद मैंने फ्रूट काटा और पपाया यहाँ पे, और हम तीनों जाने ही खाएंगे। तो उसके बाद से फिर से दोपहर की टाइम हो गई, और मैंने बनाया यहाँ पे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, और चावल भी मैं चढ़ा दी हूँ, और बस ये दोपहर का खाना इन लोग खा लेंगे यही। मतलब इतना काफ़ी गर्मी था कि बाकी कुछ मुझे बनाने का मन ही नहीं हो रहा था, बहुत गर्मी था। मतलब इतना भयंकर वाला गर्मी पड़ रहा है इधर ना, कि मैं आप लोग से क्या ही बताऊँ। ये तो सबके यहाँ पड़ता होगा बहुत ज़्यादा गर्मी, तो किचन में खड़ा होने के थोड़ा सा अभी मन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सब्ज़ी चावल इसलिए मैंने बना दिया। और उसके बाद से दोपहर में पूरे दिन हम दोपहर में आराम की, और शाम की टाइम है 5 बज रहा होगा, और नहाना धोना हो गया। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पाठ हनुमान चालीसा के, और पाठ उठ करने के बाद से देखिए मैं आप लोग से यही बता रही हूँ कि बस नहाई हूँ मैंने, और कुछ भी नहीं फेस पे लगा है, क्योंकि इतना काफ़ी गर्मी कि आप लोग से क्या बताऊँ। उसके बाद से पूजा वूजा कर ली शाम के, उसके बाद से यहाँ पे मैं आटा भून रही हूँ। आटा के हलवा बना था, इतना टेस्टी बना था कि आप लोग से क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी बना था। सिर्फ घी में बनाया था, जितना आटा लिया था उतने मैंने घी लिया, उसके बाद से हलवा बनाया। उसके बाद से यहाँ पे पूड़ी, और मेरा पहले खाना बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब उजाला रहता है तभी खाना खाया जाता है। तो यहाँ पे पूड़ी और हलवा बनाई हूँ, पहले भगवान जी के लिए भोग लगा दूँगी, और पूड़ी दो मैंने पूड़ी लिया, थोड़ा सा हलवा लिया है, और भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए लेके जा रही हूँ। उसके बाद से मैं अपने लिए खाना लगाऊंगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ना फ्रूट भी काट लिया, आम भी ले लिया, हलवा ले लिया। यहाँ पे गाय के भी खाना मैं निकाल देती हूँ, डेली गाय आसपास में दिखती है, लेकिन आज के दिन पता ना क्यों नहीं दिखी, तो उसको मैंने साइड में निकाल के रख दिया। और हलवा, आम और 2 से 3 पूड़ी ली हूँ। यहाँ पे लस्सी बनाई थी, लेकिन लस्सी मैंने पिया नहीं, मुझे इतना ही से मतलब मीठा चीज़ इतना हो जाता है ना पूरे दिन में एक दो बार, उसके बाद से कुछ भी खाने को मीठा चीज़ मन ही नहीं करता है, तो मैंने लस्सी नहीं पी, बस आम और पूड़ी हलवा खा के पानी पी लिया। उसके बाद से यहाँ पे शिवांश देखिए अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और आप लोग के बाय बोल हाई बोल रहा है। यहाँ पे ये जीरो से स्टार्ट किया है, सब कुछ तो जीरो से ही स्टार्ट करता है, जीरो मतलब गोल गोल बना रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के, तो मैंने थोड़ा सा शूट भी कर लिया, और सबकी स्टार्टिंग जीरो से ही होता है। तो चलिए बाय, मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।